नमस्कार, वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग में ओम प्रकाश गोयल को वैश्य समाज के आजीवन दिल्ली प्रदेश के अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष बनने पर वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के एडवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष आर के जलान और सीईओ कुमार विजय के साथ साथ वैश्य व्यापार चैनल की पूरी टीम ने बधाई देकर स्वागत किया है। वेदामऊ वैदिक विद्यापीठ बदायूं में एसआर ट्रेडर्स और आरबीएम लुब्रिकेंट ने एक कार्यक्रम किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी अशोक खुराना और विशिष्ट अतिथि आचार्य वेदव्रत ज्वाला प्रसाद गुप्ता, शिव स्वरूप गुप्ता, अरविंद धवन, देवध्वनि गुप्ता, राम प्रकाश मिश्र रहे। कार्यक्रम का मुख्य बिंदु आरबीएम लुब्रिकेंट के द्वारा और एसआर ट्रेडर्स के द्वारा उन सभी छोटे बड़े मोटर मैकेनिक और व्यापारियों को आरबीएम लुब्रिकेंट की विशेषता के साथ सामाजिक कार्यों से जोड़ना रहा। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय उद्योग एवं व्यापार मंच के युवा जिलाध्यक्ष ध्रुव देव गुप्ता ने किया। एकलव्य स्पोर्ट्स शूटिंग क्लब शूटरों ने गोल्ड मेडल जीतकर अपने जिले का नाम रोशन किया। डीएलएफ के होनहार शूटर साक्षी मलिक और हर्षित मलिक ने 49वीं केंद्रीय विद्यालय स्कूल नेशनल स्पोर्ट मीट 2018 में कमाल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग अंडर 17 वुमेन कैटेगरी में साक्षी मलिक ने 372 का स्कोर कर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। इसी के साथ हर्षित मलिक ने 375 का स्कोर करके गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। वैश्य व्यापार के एडवाइजरी बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनिवास गुप्ता ने एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य और एडवोकेट अजीत कुमार भारद्वाज को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार परिषद का बिहार प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार के अध्यक्ष साहू भोपाल भारती थे। अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी सरकार की ओर से बोलते हुए बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ स्कैम्स की राजनीति की है, सिर्फ परिवार की राजनीति की है, मगर मोदी सरकार ने स्कीम की राजनीति की है। उन्होंने कई मुद्दों पर कांग्रेस पर बारी बारी से हमला किया। जयग्रसेन महाराज की 44वां आयोजन अखिल भारतीय अग्रवाल परिचय सम्मेलन 29 जुलाई 2018 को दिल्ली के अग्रसेन भवन विवेक विहार में होने जा रहा है। आप सभी अग्रबंधु अपने विवाह योग्य बच्चों का पंजीयन 15 जुलाई तक करा सकते हैं। निवेदक राजेश हेरन, आशीष बंसल, अरुण गर्ग, राजकुमार गुप्ता। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान टीडीपी के सांसद ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद निर्मला सीतारमण ने फौरन आपत्ति जताते हुए उस शब्द को रिकॉर्ड से हटाने और सांसद से माफी मांगने की मांग की। सीतारमण की आपत्ति जताने के बाद सदन में अन्य भाजपा सांसद भी हंगामा करने लगे। इस दौरान कुछ देर के लिए शोर शराबे से बहस प्रभावित हुई। अविश्वास प्रस्ताव से ठीक पहले बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए एक ट्वीट किया। गिरिराज सिंह ने ट्वीट में लिखा कि भूकंप के मजे लेने के लिए तैयार हो जाइए। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह के ट्वीट को राहुल गांधी के उस बयान से जोड़कर देखा गया, जिसमें राहुल ने कहा था कि अगर उन्हें संसद में 15 मिनट तक बोलने का मौका दिया जाए तो भूकंप आ जाएगा। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने हाल ही में फेक न्यूज से बचने के लिए कुछ फीचर्स बताए थे। फुल पेज विज्ञापन देकर भी लोगों को गलत जानकारियों से बचने के लिए तरीके बताए गए हैं। अब व्हाट्सएप एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रही है, जिसके तहत फॉरवर्ड किए गए मैसेज को लिमिट करने का ऑप्शन मिलेगा। भारत और जापान ने दिल्ली में समुद्री मामलों के चौथे चरण की चर्चा की, जिसके दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र और समुद्री सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बात की गई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वार्ता में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रकाश शर्मा ने किया, जबकि जापान की ओर से राजदूत कांसुके नागाओका ने नेतृत्व किया। बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी ने पिछले दिनों रिलीज हुई वेब सीरीज लस्ट स्टोरीज को लेकर काफी लाइमलाइट में रही हैं। इस वेब सीरीज में कियारा ने जबरदस्त बोल्डनेस दिखाई है। इसी वेब सीरीज के जरिए कियारा ने अपनी एक्टिंग से भी सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस वेब सीरीज में उन पर फिल्माया गया मास्टरबेशन का सीन काफी विवादों में रहा है। ऐसे में हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कियारा ने अपने करियर से लेकर उस सीन के बारे में खुलकर बातें की। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।